जौनपुर के साहगंज कोतवाली में गुरुवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। राजू भैया सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने साहगंज कोतवाली पहुंचकर रक्षकों को रक्षाबंधन बांधा और सभी की रक्षा करने का वादा लिया। तो वहीं कस्बे में यह अनूठी राखी चर्चा केंद्र बन रही है। प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी सैकड़ों पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में विद्यालय की छात्राओं ने उन्हें अपनी बहनों के दूर रहने की कमी खलने नहीं दी और राखी बांधने कोतवाली पहुंच गई। छात्राओं ने कोतवाली में मौजूद सिपाहियों को राखी बांधी और उनसे देश समाज की रक्षा का वचन लिया। इस दौरान कार्यक्रम की कवरेज करने गए पत्रकार ने भी कोतवाली में तैनात महिला सिपाही से राखी बंधवाई और उन्हें इस पावन पर्व पर भाई से दूरी नहीं खलने दी। इसके बाद छात्राएं क्षेत्राधिकारी आवास पहुंची और यहां सीओ अंकित कुमार को राखी बांधी। सीओ ने कहा कि छात्राओं से राखी बंधवाकर उन्हें बहुत खुशी मिली है और उनका दिन बन गया। उन्होंने विद्यालय के इस अनूठे प्रयास की भरपूर सराहना की। इस दौरान विद्यालय के तमाम शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। जैसा कि आज आप कोतवाली साहगंज में आई हैं और अपने पुलिस भाइयों के कलाई पर राखी बांधी, कैसा लग रहा, क्या कहना आपको? मेरा नाम श्रेष्ठा गुप्ता है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजू भैया सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अपने रक्षाबंधन के दिन भी अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो मैं इनकी कलाई पर हाथ राखी बांध कर इनसे अपने देश की रक्षा करने का वचन लेती हूँ। थैंक यू। जैसा कि आज आपके नेतृत्व में विद्यालय के बच्चे जो है कोतवाली सागंज में आए और यहाँ पर बहनों ने भाई के रूप में पुलिस कर्मियों के हाथ पे कलाई पे राखी बांधी है, क्या कहना इस कार्यक्रम को लेके? देखिए, बहनें बहुत ही जागरूक हैं, बड़ी दूरदर्शी हैं। इनके मन के विचारों को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। बहनों ने चिंतन किया कि ऐसे पुलिस के बंधु जो इस त्यौहार पर भी अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, त्यौहार में हम लोगों की रक्षा के लिए यहीं पर रुके हुए हैं, ऐसे बंधुओं को हम रक्षाबंधन बांधेंगे। और उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, रक्षाबंधन बांधते हुए अपने पुलिस बंधुओं से अपनी रक्षा, समाज की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प उन्होंने लिया।